हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाजी डेली व्लॉग। गाइस तो आज जो है अपन आए हुए हैं अजमेर शरीफ की बारगाह में। ये देखिए पीछे आप लोग देख सकते हैं, पीछे बारगाह है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं हमारे हजरत और हमारे साथी सब लोग गए थे, ज़ियारत वगैरह हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं थोड़ा फ्री हुआ था तो हमारे जो है रजब मुसाब के साथ और एक हमारे साथी है उनके साथ जो है मैं निकला था। तो यहीं पर थोड़ा बाजार वगैरह ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे जो है टोपी की दुकान है उसके ऊपर रुके थे हमारे रजब साहब और ये हमारे भाई टोपी वगैरह देख रहे। तो फिर एक बार जो है आप लोगों के लिए मैं अंदर जाने वाला हूँ, तो आप लोगों को बताऊँगा मैं और भी क्या क्या है अंदर। फिर से जो है आप लोगों को ज़्यादा वगैरह कराने की कोशिश करूँगा मैं अंदर जाके। तो क्राउड को रश तो बहुत ज़्यादा रहता हूँ, तो फिर जो है लस्सी के कपड़ों के ऐसे बहुत सारे जो है दुकान वगैरह है, मार्केट है ज़बरदस्त है। वो पीछे जो बुद्धा मान के आपको जो कुछ दिख रही बारगाह है मैं आपको नज़दीक से भी बताऊँगा। फिलहाल के लिए जो है वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाजी डेली व्लॉग्स। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो और भी चीज़ें मैं बताऊँगा आप लोगों को अंदर जाने के बाद। कितने बोल रहे हम साहब? 50। 50 में एक? नहीं हाँ 200 में 200 में 200 में। भाई जो है 50 रुपये में जो है अभी लस्सी पीने का मन करा तो हमारा लस्सी फौरदा वगैरह सब यहाँ पे। शॉप का नाम जो है ये है, इस तरह का एंट्रेंस है वगैरह ऐसा है ज़बरदस्त। इसको आप लोग देख सकते हैं, ये है अपनी जमीन हुई लस्सी ज़बरदस्त, जिसके अंदर तरीके से जमी हुई है पूरी। अरे भैया का है इनको हमारे जन्म सा पेश कर लो। कैसा हम साहब? ज़बरदस्त है नहीं ना, फिर उसमें डाल के वो करते शायद। हाँ थोड़ी थोड़ी रकम में अपन ले लेके चल जाना चाहिए, अपना रास्ते में पी लेते हो। तो गाइस ये है बारगाह का एंट्रेंस, तो अपन जाने वाले हैं अंदर। मैं अंदर जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से जो है कॉलिंग वगैरह का ऑप्शन नहीं है, तो अपन मैं अंदर जाके आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जो है अंदर आने के बाद में इस तरफ है यहाँ का लंगर जो निकल रहा है, लंगर का लंगर जो है यहाँ पर निकलता है। इस तरफ है बड़ा वाला दीक्षा और इस तरफ है छोटा वाला दीक्षा। ये सब जो है यहाँ के लंगर के लिए है, ख्वाजा साहब की बारगाह में जो लंगर बांटा जाता उसका। ये वाली जगह जो है बड़े लंगर के लिए, ये वाली जो जगह छोटे लंगर के। जी हाँ देखेंगे जी, चलिए आपके व्यूअर्स को नहीं दिखाते हैं, बताएंगे ना वो सब। चलिए वाजिद भाई जी आपके व्यूअर्स को अजमेर का बड़ा दिल का नज़ारा कराइए। चलिए हम साहब हमारी रहनुमाई करिए आप, अच्छी बात है हम साहब। चलिए कहाँ से जाना? सामने सीढ़ियाँ चढ़ना है, कैसा चढ़ना? नहीं कुछ पढ़ना है, सुबह अल्लाह अलहमदिल्ला।
या खाजा बोल के भी चढ़ जा सकते। तो गाइस आप लोग जो है देख सकते हैं, ये है यहाँ के अंदर के लिए। गाइस तो ये जो है यहाँ का लंगर है, बड़ा वाला दीक्षा। इसमें सब लोग जो है पैसे वगैरह सब चावल कोई अपने जैसी मर्जी, सब अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से जो चाहे सब कुछ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हज़रत जो है जब विसाल पा गए थे, जब इस दुनिया से जब पर्दा फरमा गए थे, तो ये अल्फाज लिखे गए थे इनकी पेशानी पर। तो इसका जो है तर्जुमा ये है कि ये अल्लाह का हबीब है और जो है अल्लाह की राह में इंतकाल कर गए। इसका तर्जुमा ये है। इसको इंग्लिश आती है, वो लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं, नीचे थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा, ये आप लोग देख ले सकते हैं, जो इंग्लिश में भी है। तो यहाँ ये जो है बैक डोर है, फ्रंट डोर जो है उस तरफ है। इंशाल्लाह मैं वो भी कोशिश करूँगा आप लोगों को बताने की। इसके सामने जो है ये है मस्जिद, जो बारगाह के सामने वाली बड़ी मस्जिद है, इसके पास है ये मस्जिद। इंशाल्लाह मैं और अंदर भी जाके बताऊँगा क्या है या नहीं। गाइस तो देखिए आप लोग देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह हज़रत की बारगाह में सब लोग हज़रत के इन्हीं रूहानी फैज़ान से मालामाल होने के लिए कितने लोग जो है हज़रत की बारगाह में आ रहे हैं। तो ये है गाइस मस्जिद, और इस मस्जिद का सहन और देख सकते हैं आप, इस पीछे जो है पहाड़ों के आगे जो है तारागढ़ का पहाड़ है, हज़रत पर बाबी जन्नत, जन्नत का दरवाज़ा, जन्नत का दरवाज़ा। कब खुलता है ये? मुहर्रम है या हज़रत कब खुलता दरवाज़ा है ये? छुआ बाबा तो वैसे रजब के महीने में, रजब के महीने में उर्स के दिन। कितने दिन खुला रहता? छः दिन खुला रहता हज़रत, और उसके पहले 6 दिन खुला रहता है।